हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जुकीनी से बनने वाले बहुत ही टेस्टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे। तो केक बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। पहले 2 कप मैदा छान लेंगे। अब बचा हुआ 1/3 कप मैदा भी डाल लेंगे और इसको भी छान लेंगे। तो इस तरह से मैंने टोटल 3 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेंगे और 1 टीस्पून ही हम बेकिंग पाउडर का डाल लेंगे। और इस केक में दालचीनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो 2 टीस्पून हम इसमें दालचीनी का पाउडर डाल लेंगे और फिर इन सब को अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको एक साइड में रखेंगे और हम बनाने जा रहे हैं जुकीनी केक। तो अब जुकीनी को भी ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की जुकीनी ली है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हम इसके छिलके समेत ही ग्रेट करेंगे। तो इसके दोनों तरफ से किनारों को काट देंगे और फिर इसको ग्रेट कर लेंगे। तो हमें 1 कप के करीब जुकीनी चाहिए। जुकीनी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको भी एक साइड में रखेंगे और बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। देखते हैं हमें बाकी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब एक और मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें सारे बैटर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 3 अंडे डालेंगे और साथ में हम 3 टीस्पून वनीला एसेंस का डालेंगे। और अब हम इसमें 2.25 कप पिसी हुई चीनी के डालेंगे। तो इस चीनी को मैंने घर पर ही पीसा है। 1 कप रिफाइंड ऑयल का डाल लेंगे और फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे क्रीमी होने तक। एक से 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लंप्स ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि बैटर काफ़ी थिक हो रहा है, लेकिन आप इसमें कोई भी दूध वगैरह ना डालें, क्योंकि जब हम इसमें यकीनी डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा पानी होता है, तो ये अपने आप बैटर ठीक हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह से थिक ही रहने दें। तो इस तरह से मैंने सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सचर में डालकर फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही गाढ़ा है। तो अब हम इसमें जुकीनी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जुकीनी में पानी होने की वजह से बैटर अब पहले जैसा थिक नहीं रहा। तो अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए अखरोट डालेंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अभी एक मोल्ड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड वाला मोल्ड लिया है, आप कोई भी आपके पास हो एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा सा मैदा डालकर हम डस्टिंग कर लेंगे। और फिर एक बटर पेपर हम इसमें रखेंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इससे केक आसानी से बाहर आ जाएगा और चिपकेगा नहीं। तो अभी मोल्ड में हम बैटर को डाल देंगे।
तो ऊपर से थोड़ी सी जगह जरूर रखें ताकि केक अच्छे से राइज हो सके। माइक्रोवेव ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था, तो अभी ये प्री हीट हो चुका है। तो अब हम केक मोल्ड को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। और अब 180 डिग्री पर हम टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो इस केक को बनने में 40 से 50 मिनट लग जाएंगे, पर मैं पहले यहाँ पर 35 मिनट ही लगाऊंगी। शायद आप देख पा रहे होंगे कि केक काफी अच्छे से फूल चुका है। तो अभी 35 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम केक को चेक कर लेंगे। तो कोई भी एक नाइफ ले और उसको केक के अंदर डालकर देख ले। तो अभी आप देख सकते हैं कि नाइफ के ऊपर अभी भी थोड़ा सा गीला है, तो केक अभी पूरी तरह से नहीं बना। तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए और टाइम लगाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तो केक अब रेडी है। तो इस तरह से टोटल 45 मिनट्स लगे हैं। केक को थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसके स्लाइस काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्रेड बनी है। ये बहुत ही टेस्टी केक बनता है और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये यकीनी केक है। जुकीनी से बनने वाले केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें।